चंगे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जी रहे होंगे और मौज काट रहे होंगे। हमारी जिंदगी से तो अच्छी चल रही होगी आपकी। ये बात भाई ने सही नहीं बोली भाई। तो खैर हम लोग ही तो भाई क्या बताएं यार, जिंदगी में क्या चल रहा है, अपन लोग पता ही नहीं, अपन लोग बस जी रहे हैं। क्या पता नहीं, देखो दो वक्त की रोटी दे रहे हैं घर वाले, वहाँ एक वक्त की उठते इतना लेट है भाई। देखो अभी दो बज गया, अब उठे हम लोग, अभी चाय मिलेगी, चाय के बाद नाश्ता। तो हम लोग खाना तो खाते ही नहीं है, और खाना हम लोग कब खाते हैं, सीधा रात को ही एक टाइम का खाना बस, जैसा दिल्ली में करते थे, सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाते थे रात में जाके होटल पे। तो लेट्स गो ब्लॉग को स्टार्ट कर भाई। देखो वहाँ तेरे ऑटो चलाया मेरे घर पे चाय पीने के लिए। तू बेरंग मैं चमक हूँ, फर्क बहुत है भाई। तेरे लिए स्पेशली चाय बनवा रहा हूँ मैं, स्पेशली चाय। हाँ भाई, किसी के लिए बनवाता नहीं हूँ मैं भाई। ये पांडा टी बनवा रहे हो तुझमें मैं भाई सा एक देखता हूँ, समझा? बस बड़ तुझे मैं अपना बड़ा भाई समझता हूँ भाई, कसम से भाई मैं तो तुझसे छोटा हूँ। 500 रुपये दियो, मैं छोटा हूँ। तू तो हर किसी में छोटा है, मुझसे 500 रुपये दे। जा नहीं, 500 रुपया दे अब, 500 रुपया दे अब, 500 अब गद्दारी कर रहे तू तो नहीं। 500 रुपये निकाल, निकाल 500 रुपये भाई। तू तो पता रुपए कैसे मांग रहा है। देखो भाई हम इतने गरीब हैं, हमारे यहाँ पे एक फोन की टार्च जला के चाय बनाई जा रही। सकल सकल देख कितनी बुरी बनाए रखी है। मम्मी अभी सोई उठ गई, मिलके पा चले गाय चले बाप तुम्हारे कही सब जिसको छोड़ के गा। सिलेंडर देखो आज नहीं खत्म का वो भरो रखो है। खाना नहीं बनना है कुछ कर भाई, ऐसे हरामी दोस्तों से सतर्क रहो, सावधान रहो। मेरे से पहले बोलता कि भाई चाय में वो खाना खाएगा तू, मैंने कह दिया तू बता, कहता मैं तो नहीं खाऊंगा, तो मैंने वहां जाके बोल दिया मैं भी नहीं खाऊंगा, हो गया मम्मी से खाना ले आया जाके। लेकिन कोई नहीं गाइस, चाय भी हो। Yes. भाई अभी हम लोग ना खाना खा वो नाश्ता करने जा रहे थे, और मेरी आदत है जैसे कि मैं नाश्ता करते टाइम मतलब फेसबुक पे वीडियो लाइक खाता हूँ तभी उतरता है मेरा खाना। तो भाई मैंने जैसे वो फेसबुक खोला, मैंने एक स्टोरी लिखी थी कि धन्ने से रिलेटेड भाई, इतना मतलब मेरी हंसी नहीं रुकी देखते हुए, आपको दिखाऊंगा आपको हंसना नहीं है। लेकिन अब ये देखो तू कितना फनी है भाई मेरे। भाई असली काम इस बंदे ने आप बताया कि असल में ले कहाँ जा रहा है भाई, ये बंदा बक्सा उड़वाने के लिए ले जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, नितिन का बक्सा। खैर हम सब लोग भी एक दूसरे के काम, दोस्ती क्या जो एक दूसरे के काम ही ना है। तो अभी हम जा रहे हैं, लेकिन धन्ने को ही बुलाएंगे, बात हम तो साला गया कानपुर। तो खैर अभी फिलहाल में अपन दोनों ही लोग हैं, और धन्ने को बुला लेंगे। साहिल तो भाई मास्टर नहीं है, पढ़ाने गए होंगे स्कूल में। साहिल ने कॉल कर दी, मेरे पास कर लियो कहा है। ग्रुप पे भाई ये अंधा रीले भेजता है, जब इसका 4G था समझ लो 1.5 GB डाटा में, ये 100-500 अब तो भाई ये पता नहीं क्या करेगा भाई। मैं जा रहा हूँ ग्रुप एग्जिट करने, जा और बड़ो ना ही है जो इतना छोटा होता है ना टाइम धन है जो तुम उठाओ, ठीक है हम बाहर मिल रहे हैं। यार इज्जत है यार थोड़ी है समाज में हमारी। नहीं हम नहीं सोचे, जब भाजपा की पार्टी का हम सपा का, थोड़ी देर के लिए भाजपा मैं आपको छोड़ रहा हूँ। एक काम करा है भाग की मेजम लेके दूसरी जगह रद्दी जाएगी क्या काम था भाई, ऐसे उसका इन दोनों को ऊपर कर दिया मैंने बस।
अकेले। अच्छा मैं पूछवा दे रहा हूँ, कौन बेटा इधर आइयो। अकेले उठाया मैंने, बस सुन लिया भाई। नहीं लोगे? नहीं लो, नहीं ना ना, ये कसम से ना खा मम्मी कसम। मम्मी कसम चल। अरे तेरी कसम भैया, नहीं ना तो ठीक है, हमने उन्हें ना होता। भाई अभी मैं अपने पुराने घर पे, और आज मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं अपने पुराने घर पे फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। जैसे कि ये मम्मी पापा का कमरा, इसमें भी लेटता था मैं, और ये दीदी लोग लेटते हैं साले में, और ये सोफे पे पड़े यहाँ पे, ये फर्स्ट फ्लोर है, नीचे चाची आची, मतलब पूरा मिला के आपको दिखाता हूँ मैं कमरा। ये देखो भाई, इसके अंदर जाएंगे, ये मेरा रूम है, मतलब मेरा नहीं पापा का। यहाँ पे बेड डला हुआ था, बेड, और नॉर्मली यहाँ पे कपड़े वपड़े टंग जाते थे। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, मतलब बाल ऐसे करने के लिए, और यहाँ पे हल्की सी बालकनी थी, यहाँ से हम लोग व्यू देखते थे कभी कभी। यहाँ पे मैं मूत दिया भी करता था। और छोटा सा ये वॉशरूम भाई, एक कमरे में पूरा ये छोटा सा वॉशरूम, एक ही कमरे में वॉशरूम भाई, और एक ही कमरे में किचन दोनों। भाई देखो भाई कितना, और ये सामने वाला रूम है वो थोड़ा, उसमें मतलब तकड़ डला था ना, उसमें पहले बेड डला लेकिन मट के, फिर तकड़ डल, दो तकड़ डल गए थे तो उसमें लेटते थे हम लोग। समझ जाओ भाई, इतनी परेशानी झेली हम लोगों ने एक कमरे में रहना, और दूसरे कमरे में मतलब पूरा एक कमरे में सब लोग बैठते थे। यहाँ पे टीवी लगी हुई थी यहाँ पे, और फिर सब कुछ बहुत ज़्यादा भी पापा ने खूब मेहनत करके भाई बनवाया वो वाला घर। बस इतनी मेहनत करनी है कि मैं भी अपना एक घर बनवा सकूँ, मतलब अपने पैसों से। अब मतलब मेरा जो ड्रीम हाउस है वो भाई बहुत अलग लेवल का है, बहुत ज़्यादा हाई फाई, घर में स्विमिंग पूल, बालकनी पे नहीं यार, एक गार्डन होना चाहिए, घुसते एंटर करते हाँ, स्विमिंग पूल, फिर एक छत पे स्विमिंग पूल, फिर उसके ऊपर एक स्विमिंग पूल। हाँ स्विमिंग पूल ही बनाए थे वो कहीं का। और भाई ये आ गए अपनी छत पे, ये मेरी छत है, पतंग बहुत उड़ाई मैंने अपने यहाँ पे सीखी है पूरा, ये मेरी पूरी छत। और मैं आपको बताता हूँ कि मेन रीज़न क्या है मेरा दोस्ती होने का अब लोगों से, ये पूरा सामने जो बना है ये पूरा पहले प्लाट था, और ये रहा बासम का घर, अबे बातम का, ये पूरा उसका ही है भाई। बातम तो खैर मेरे घर के बगल में था, लेकिन दोस्ती हम लोग इतनी जल्दी नहीं हुई थी। और सामने वो गली है पीछे मेरे, ये गली हाँ मेरे जस्ट घर के पीछे गली है, नितिन द्विवेदी दीपांशु सब उसमें रहते हैं, इससे तो स्कूल टाइम में दोस्ती हुई मेरी। बाकी यही है मस्त आराम से। ओ ये देखो, और एक ये देखो भाई, रात रात मैं आपको एक अपनी स्पेशल जगह दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं थी कि मैं जहाँ पबजी खेल सकूँ रात में बैठ के, क्योंकि रात भर मैं जगता हूँ, सब दोस्त लोग पबजी खेलते थे, तो मैं आपको अपनी जगह दिखाऊंगा मैं कहाँ पबजी खेलता था। मैं जहाँ पबजी खेलता था छत पे आके, रात में 12 बजे बैठता था, 4 बजे तक यहीं पबजी खेलता था मैं यहाँ पे, ये तब थोड़ा ये था नहीं यहाँ पे, यहीं पे बैठ के मैं पबजी खेलता था आराम से यार। एंड माई ब्लॉग, चलो भाई अब सब ठीक ठाक ही है, यहीं से मेरी पीछे बार बैटल था मेरा, बैटल खेला था तब मेरी लोगों से दोस्ती हुई थी, नए नए दोस्त मिले थे मुझे, फिर मुझे क्या पता था फिर ऐसी दोस्ती होगी कि फिर लाइफ टाइम के दोस्त बन जाएंगे, कर रहे दोस्त बन जाएंगे एकदम, एक दो दिन मिले साथ में, बाइक मैच हुई, फिर बैठे 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 फिर घनिष्ठ मित्र बन गए। हाँ तुम बिना सर की, इसे मैंने बहुत पहले देखा था, बहुत पहले तब ये मेरा 6 हुआ करता था छक्का। ये लो भाई मेरे स्कूल का घनिष्ठ मित्र भाई, बचपन से साथ पढ़ने वाला है ये, तो शांत क्यों भाई अभी, अच्छा कोटपेट बन के आ रहा है क्या भाई, घनिष्ठ मित्र है यार, इसको मैंने मैंने इसके पीछे सर को कोट दिया था मैंने ना, मतलब पागल है भाई। देखो कल भी आए थे बैंक, आज भी आए हैं भाई, सॉरी परसों नहीं कल, तुम थोड़े से तुम आओ का है? बताइयो कल आए थे जब हमने की तुम्हारी बंदी की शादी हुई, हम गाना गई है हाँ, आज अपलोड हुआ है। देखो भाई पैसा दिखाओ यार कितना निकाले, 10,000 देखो भाई 10,000 चूती आई एम कैश दे देना, 10,000 कैश दिखाओ तुम्हें, पैसा है तो बड़ी 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 बात है, पैसा है तो लंबी। ये देखो भाई चाय बातम भाई, तेरा देख तेरा प्रॉफिट करा रहे हैं लोग, समझे भाई तेरा प्रॉफिट कराएंगे भाई, रुपया दे के और आते हैं, अगर मैं जाऊँ हाँ बहुत अलग है, मैं जाता हूँ अंकल जी मुझसे पैसे से नहीं लेते हैं, अब ये इन लोग जानते नहीं हैं, ये लोग अभी अभी आए, नए नए आए हैं भाई, तो धोखा हो गया अपने साथ, रास्ते कल ही चूतियन बोली थी पीछे रास्ता बंद है, अरे फांद नहीं है ना भैया, फांदो आप जो नटिया कहाँ, अरे ये लो अभी भाई
अरे ना भाई, कब से नहीं आया भाई, कब से नहीं आया हमने। हाँ भाई ना हो तो बंद तो कर। दिवाली पे का? दिवाली पे, दिवाली पे हम लोग दिवाली बनाओ तो। हाँ बस अब अपनी मम्मी के साथ आई थी मुस्लिम कट कर दी थी मम्मी के साथ। अभी भाई गेम चलने जा रहे हैं, इसमें फुल्ली समोसे मोसे आ रहे हैं। यो भाव का क्या है अब दबाई? यस डी डाउन, यस डी डाउन। अबे इन्नम भाई का, भाई का बाप बोलते बाप। हाँ बिट्टू को देखे देखो सब रहे आगे। अरे रुको तो लास्ट पोजीशन ले ले, पोजीशन ले, पोजीशन ले, पोजीशन भाई। ये देखो ये देखो ये देखो, कोई बात नहीं रोड पे नहीं है। ए वीडियो बंद कर यार, जा यार पंजी का ही नहीं निकले ना। रुको अरिबा रिवेंज रिवेंज। अब देखो जय माता दी नेटवर्क मत दो ना, पोजीशन पिक कर तीन पांच चार ले 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 ले। बंद फोन पकड़ लो, कैमरा एंगल खराब हो गया। ये देख देख अपनी पोजीशन। चलो भाई वेट करते हैं, पेट पूछ जा। दुबेरी भाई बीमार था तो दुबेरी भाई ने मंगाई हम लोग खाने पीने के लिए। ना भागा ले, तेरी तबीयत खराब है, तू ना खा। हम लोग खाई ली गाली, हम लोग इतो दर्द तो जिना देनो चाहते। जो भाई गलत टाइम पे आया, कुछ कहे नहीं भाई, जो बहुत गलत बहुत गलत टाइम पे आयो भाई। सिर्फ चार ही प्लेट आई नहीं चाउमीन तो, सिर्फ मोमोज भले तू खा सकता है लेकिन चाउमीन तो इससे की है सबकी। अन्य भाई का देखो न्यू कुर्ता दिखा इधर, ये वाला बढ़ोत करो बढ़ो। अरे सारे गायब ही कर दो ऐसे। देखो भाई ये देखो भाई, धन्य भाई हम क्या कह रहे हैं। हेलो गाइस, 28 तारीख से पहले मंगाओ, 28 तारीख से पहले मंगाओ। पैसे मांगना प्लीज, पैसे भेज दो, बहुत जरूरत है। अबे भाई का नंबर भी ले लो, अबे भाई के फोन पे पे कर दियो। क्यूआर दे के ब्लॉग में फोन नंबर डाल देते रहो। बोल चुके एक बार पहले ही, बोल चुके बोले बार बोल। अबे भाई का नंबर का पागल हो का, अब तो मेट ही गए हो। अरे भाई ये मत बोला करो भाई, अभी कुर्ता ऑर्डर कर रहे हैं, कुर्ता ऑर्डर क्यों हो रहा है। वो 3400 का कुर्ता है भाई, मतलब समझ रहे हो, 3400 रुपए कुल मिला के लग रहा है टोटली। और मतलब कि मैं जिंदगी में पहली बार इतना सस्ता कुर्ता पहन रहा हूँ, देखना। और फिर मैं द्विवेदी भाई को कुर्ता दूंगा और फिर अपनी मंदी को बताऊंगा किसने मेरे कुर्ते लिए हैं। इससे मिलो, ये तो हरामी है। बोलता है वो टैग करियो, बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो, टैग बर्नर। बाकी जैकेट है ये, अच्छा जानते हैं। तुम भाई को सब्सक्राइब कर रखे हो ना। हां देखो तुम भाई इसकी जैकेट देखो, जा जैकेट है, जा नहीं मंगाए रे अबे नेट से। ये तो अपना भाई टैग बर्नर था। चाचा देखो भाई, देखो जैकेट देखो, धन्य भाई ये बैक है और टैग बर्नर भाई की है, अपना अपना मौसी का लगा। और प्रिंट दिखा पीछे की तो दिखा दी, आगे की दिखाना कैसा लुक है आगे का। आगे का जो भाई ऑन हेड बेकार लग रही, वो भी है ओवरलेस। नहीं भाई धन्य भाई पसंद नहीं है ये, मैं फ्रंट कुछ खास नहीं। 28 तारीख को दे दियो वाली। देखो भाई कितनी प्यारी जैकेट लग रही है, देखो टैग बर्नर भी है। कभी ना कभी तो 500 लोग देख लेते हैं, अगर 500 लोग 10-10 रुपए भेजेंगे तो कितना होगा जाके? 5000 दो जाके 5000 5000 होंगे जाके, और 5000 उनसे मैं ये जाकेट दूंगा भाई। ठीक है भाई मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, मैं आज इस ब्लॉग में सिर्फ आप लोगों के लिए अपना यूपीआई नंबर लिखूंगा, ठीक है पे कर देना। यूपीआई नंबर का यूपीआई आईडी लिखूंगा, पे कर देना। ओके ठीक है, लव यू। जो जो भेज रहे एडवांस पे लव यू। ये एलविस भाई क्या सिस्टम है बताओ भाई, आपके बच्चे से आते हैं तुरंत ही आप लड़की बन जाते हो। ये लो भाई देखो, मैं जितना आपको प्यार करने का ट्राई करता हूँ आप वही गंदगी कर देते हो, ये लौंडिया बन जाते हो। ये बोल रहा भाई सब कुछ, सर ये पंडित बोल रहा भाई, पे करे लौंडिया भाई, इस, भाई इसने सांप वाला केस डाला है सुनते हो भाई, सभी लौंडिया बन जाते लड़के लड़के।
सही बात है, एलिसो भाई धन्य तरीका निकली है भाई। देखो मरे जा रहे, मेरी जैकेट का देखो भाई, भाई पूरा इसमें ढूंढ दिया भाई, वो मेन जैकेट है। अरे जो भी हो भाई देखना, देखो भाई इंडोनेशियन जैकेट है भाई, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया की है भाई, इंडोनेशियन जैकेट भाई। प्राइस दिखाना भाई, आरपी भाई आरपी देखो, 1,75,000 आप लोग खुद देख लो भाई, 1,00,000 कहाँ गई इधर, 1,00,000 75,000 आईडीआर इनार आईडीआर इनार भाई, इतना पैसा पैसा है तो बड़ी 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 बातें। अरे ना लगा भैया, तो दिमाग यार ना लगा भैया, हम अपने मुंह से बता दे रहे 350 की तुझे कहा ही हो महंगी जाके आते रहे, देखिए हमने 175। चलो ठीक है भाई भाई भाई, अभी हम लोग खैर अभी हम लोग पंड दिन ट्रकन को अपने हाथन से अभी भैया मिले थे, मतलब मेरे गली गली के बाहर एक शॉप है, वहीं पे वो मतलब बैठते हैं। उन्होंने भाई बोला कि एकदम से कि ब्लॉग बनाते हो, अच्छे बनाते हो। मैंने कहा अच्छा हाँ भैया, कहने लगे हाँ हाँ। फिर उन्होंने बोला कि आज उस बोला कि मतलब कॉपी ले ला बोले बना, मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं किसी के ब्लॉग देखता हूँ ना उससे सीखने को मिलता है। आरुष के ब्लॉग देखता हूँ तो मजा भी आता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो पकड़ कैच कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ भी अपन को भी बोलनी चाहिए जिससे और लोगों को भी मजा आए, तो वही चीज है, बट मजा आ गया। फिर उन्होंने कहा उसके लैला बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा मेरे पे भी तो है लैला, ये चल्ला बस मेरे लैला की थोड़ी आंख खराब हो गई है। चलो कोई नहीं, लैला के आंख के थे बंगोला फूट गया था यहाँ पर। कहा टिकटॉकर आते आते, तो तू टिकटॉकर है नया फोन है भाई, ये मत डलियो ठीक है, नया बोले भाई ब्लॉग में बोलेगा तभी हटाऊंगा, नहीं तो नहीं हटाऊंगा। ये भी क्लिप डाल देगा तू वो तो डाल दूंगा मैं भाई, बोलता क्या मेरे पास भाई, नहीं क्लिप मंडल लियो अभी, एक फोन उसको चले गया है इसके, इसका एक एक इसका वो है ना कि ये बंदा आज तक की जिंदगी में कभी इसने नहीं, लोग फोन लेते हैं सील पैक खोलते हैं आराम से देखते हैं फोन नया हटाते हैं भाई, इसको कभी मिला ही नहीं, इसने सेकंड हैंड ही फोन चलाया अपनी जीवन में, अपना भी रुतबा है सेकंड हैंड का नाम कमाया सेकंड हैंड में भाई ने तुम्हारे कोई नहीं। एंड मैंने तो सबसे पहला फोन चलाया था एंड्रॉइड नोकिया का फोन भाई, उसमें सांप वाला गेम खेलता था, बड़ा ओपी लेवल का मजा आता था, बट कोई नहीं लिया उसके एक महीने बाद गायब, जिंदगी के साथ शौक भी चेंज हो जाते हैं। हाँ अरे इधर से आना, दूध भी रखना घर पे, ले आ, ले ले चल भाई, कैमरा गंद हुआ है, अरे ना शक्ल ही गंदी है थोड़ा पैसे बैठ दो शक्ल से करा लो, इधर मिक्सी बताए तुझे गाइस यार रूटीन थोड़ा अपना चेंज करना है, क्योंकि दिल्ली का जो रूटीन था मेरा वो थोड़ा सोना ज़्यादा हो जाता था, रात भर जगना हो जाता था, इस वजह से थोड़ा यहाँ का जो वो थोड़ा मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ कि रात भर मैं जगता रहता हूँ और ज़्यादा लेट तक सोता रहता हूँ, ब्लॉग थोड़ा होता है लेट स्टार्ट, तो थोड़ा फिक्स करेंगे इसको, बाकी ब्लॉग यहाँ पे करते हैं। आई होप आप सभी ब्लॉग बहुत पसंद आए, लाइक और कमेंट करते हैं ब्लॉग में इस वाले साथ।